आज जो हम लोग इन मिलन समारोह में उपस्थित हैं साथियों, ये बिल्कुल आध्यात्मिक कार्यक्रम है, बिल्कुल आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आप लोगों ने जो एक माह ऊर्जा लिया है उसके हम भी एक भागीदार बन गए, ये हमारा एक सौभाग्य है, ये साधारण सी बात नहीं। जो नहीं आया उसका एक मिसफॉर्चून कहा जा सकता है, जो आया है वह बधाई का पात्र भी है, आना जरूरी है। तो ये मिलन समारोह ही नहीं है साथियों, ये बात जान लीजिए कि जो हमारा हमारी वेलफेयर सोसाइटी है ये एक साधारण नमूना नहीं है, ये जिले का एक नमूना है और लेवल लोहा माना है। कैसे लोहा माना मैं बता दूं आपको। अभी डॉक्टर संजय की जो बात हो रही थी वो बात तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मुझे क्षण याद आता है कि जब मेरे सारे डॉक्टर एसपी के यहाँ चले गए तो मैं किसी बहाने से रुक गया, कोई एक मेरा बहुत जरूरी काम था। फिर मैं अपने को कोसने लगा कि मैं कितना गया गुजरा व्यक्ति हूँ कि मेरा एक संगठन आजमगढ़ गया है तो पर मैं करूँ क्या। मैं सीधे सीओ ऑफिस गया, सीओ ने आपके रानी के शराब पहुँचते पहुँचते एफ आई आर कर दिया। ये संगठन की ताकत है, मेरी क्या ताकत है सीओ साहब। उसने कहा आ मुंशी, ऐसे मेरे सामने कहा आ मुंशी, वो केरा सिंह का नाम लेकर के वो रिश्ते लाओ और एफ आई आर दर्ज हुआ कि नहीं। तुरंत उसने कोतवाली में फोन किया और कोतवाली में फोन करके एफ आई आर दर्ज हो गया। ये हमारे एसोसिएशन की ताकत है। आप न माने न समझे, आप बुजदिल नहीं है, बी ए डॉक्टर, आप समाज के बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। आप पैसा ज्यादा कमाते हैं, अहंकार ज्यादा है, ये बात अलग है। आप नहीं कमाते हैं फिर भी आप डॉक्टर हैं, आप अपने सही तरीके से रहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर लालगंज एसोसिएशन का कोई भी डॉक्टर उसको कोई आंख दिखा दे तो यह वेलफेयर सोसाइटी वह कहीं गुजरेगी जो जिले में ही नहीं प्रदेश में डाला जाएगा। लेकिन हम तो सही हो, अगर हम गलत हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अध्यक्ष फोन ही नहीं उठाएगा, फिके राय बात ही नहीं करेंगे, सोसाइटी कोई साथ नहीं देगी। लेकिन अगर हमारे सोसाइटी का डॉक्टर ऑनेस्टली काम करता है, और की जो वर्शिप है, दूसरा भगवान अपने को मान के कार्य करता है, चाहे पब्लिक हो चाहे पुलिस हो चाहे नेता हो, कोई भी हो, हम उसको चैलेंज करते हैं कि हम सबको हिला के छोड़ेंगे और उसको हम सामने नहीं पड़ने देंगे। ये हमारी एसोसिएशन की ताकत है। पर हम न समझ पाए, बार बार ये बात कहना पड़े, इसको फिर समझाना बड़ा मुश्किल है। समझदार को समझाना बड़ा मुश्किल है, ना समझ को समझाया जा सकता है। यहाँ शरीर में इंटेलेक्चुअल बॉडी है, कहते हैं लोग मैं सत्य बोल रहा हूं, अरे सत्य बोल रहे हो लेकिन अप्रिय है, कड़वा कड़ू लग रहा है, तो ये बात मत करो। चाहे मोबाइल हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे मिलना जुलना हो चाहे तहजीब के अंदर आता हो, तहजीब इटीके ही हमारी सोसाइटी की पहचान है। ये वेलफेयर सोसाइटी की यही पहचान है कि कौन डॉक्टर कैसे मिलता है। और संगठन की ताकत तब मालूम होती है जब कोई विपदा पड़ती है, तब वो कोई संजय से पूछ ले, कोई एस्पिरा से पूछ ले कि संगठन की ताकत क्या है। संगठन में वह दम है कि सब लोग भयभीत रहते हैं, और आप इसको मजाक अगर लेके चल रहे हैं तो आपकी कोई सिफारिश भी नहीं है। इन मिलन के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सोसाइटी का चुनाव। पदाधिकारी लोग बहुत दिन से जमे हुए हैं अपनी कुर्सी पे, अब उनकी जगह कुछ नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि सोसाइटी के चुनाव में कुछ नए लोग आवे जिससे कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। सोसाइटी के संरक्षक पद पे डॉक्टर सिन्हा साहब हैं, जिनका समय तो अभी बहुत कम रहा है, तो हमारी तो इच्छा है कि डॉक्टर सिन्हा साहब अभी संरक्षक पद पे रहें, अगर इच्छा आप लोग अपना बतावें।
अब है अध्यक्ष पद का। डॉक्टर साहब बहुत लंबे समय से हैं और पद छोड़ना भी चाहते हैं, अब आप लोग इसके बारे में जो अपना विचार रखना चाहें। अध्यक्ष पद के डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, डॉक्टर अरशद कादरी साहब, डॉक्टर सुशील सिंह। महासचिव पद पर मेरा हुआ है, सचिव पद पे डॉक्टर अनवर साहब को, कोषा अध्यक्ष पद पे डॉक्टर रामचंद्र सरोज साहब, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर हमजा, डॉक्टर अरविंद चौरसिया, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, डॉक्टर ए उपाध्याय। अब थोड़ा हम कड़वी बात करने जा रहे हैं। ये जिन लोगों का नाम है इनको मीटिंग में हर हालत में आना है, इनके लिए कोई छंद शब्द नहीं है कि मीटिंग में कि हमारे पास मरीज है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो। हाँ, इन लोगों को तो कम से कम 7 बजे तो आना ही आना, आप आएंगे तो ही दूसरे को कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर ये लोग आएंगे तो ही दूसरे के लिए नजीर बनेगा, जब पदाधिकारी नहीं आएगा तो हमारी नजीर क्या बनेगी, भाई हम क्या करेंगे। और कम से कम जैसे कंडोलेंस मीटिंग है 5 मिनट की होती है, 5 से 7 मिनट। अब हम लोग उसको कहते हैं कि आइए और तुरंत कंडोलेंस मीटिंग में 5 से 7 मिनट, एक कप चाय मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई औपचारिकता नहीं, बात खत्म होगी। तो 10 से 15 मिनट का इतना तो मरीज बैठा के भी हम आ सकते हैं कि आइए और उसके बाद बैठे। देखिए भाई, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है तो इस संगठन से तो चुनाव की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा माहौल है कि चट्टी चौराहे सिपाह नहीं है, कहीं बातें हो रही है तो थोड़ा हमने भी बात कर लें तो कोई ऐसा बुरा नहीं होगा। ठीक है, अब की हम लड़े लड़ुआ खाली टिकट दे दाना, अब की हम लड़े चुनौवा खाली टिकट दे दाना, खाली टिकट दे दाना, नोट लुटाई झरुआ झरुआ, नोट लुटाई झरुआ झरुआ, झरुआ मत क्या डबरी, नोट लुटाई झरुआ झरुआ और खूब बड़ी क्षेत्र में पड़ुआ, बहुत जनता वालों में अभी ईद मिले में तो पौवा खा देना अच्छा ना रहते चुनाव की बात। नोट लुटाई झरुआ झरुआ खूब बड़ी क्षेत्र में पड़ुआ, कुर्ता पहना खूब चमका हुआ, कुर्ता पहना खूब चमका हुआ, कुर्ता पहना खूब चमका हुआ, तेल लगाए खूब महका हुआ। ठीक है, मिले तो भाषण दे भर का हुआ, भाषण दे बहुत भर का हुआ, खाली टिकट दे जाना, कहीं चुनाव जीत गई अगर भगवान की कृपा हो गई तो चुनाव कहीं कहीं चुनाव जीत गई तो नोट के बल पर बना मंत्री, कहीं चुनाव जीत गई तो क्या बना, नोट के बल पर बना मंत्री, बिना नोट दे लेते न टिकट मिली आगे तो मंत्री बनवा, नोट के तब नोट के बल पर बना मंत्री और खूब लूटा खजाना जोरम जोर, खूब लूटा खजाना जोरम जोर। अच्छा, कहीं चुनाव हारी गई ये हो सकता संभावना है ने कि अगर चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार सकेगा, कहीं चुनाव हार गई दल बदल के झंझट में, कहीं चुनाव हार गई अगर दल बदल के झंझट में तब 5 साल करप दलाली तहसीलदार कचहरी में, तब 5 साल करप दलाली तहसीलदार कचहरी में, तब वो देश के लूटन जोरम जोर हो भैया, तब वो लूटन देश के जोरम जोर। धन्यवाद जी। धन्यवाद दादाजी। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा, अब सभी लोग खड़े होंगे, राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान पर